चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अपनी रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करें उसके पहले जो कल हमने अपनी क्लास के अंदर देखा था इनकम टैक्स की बेसिक्स के बारे में, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ओके चलिए, व्हाट इज टैक्स? तो कल हमने क्या देखा था, द वर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन विच वर्ड? लैटिन वर्ड। और उस लैटिन वर्ड, वो कौन सा लैटिन वर्ड था? टैक्सो। और उसका मीनिंग क्या है? टू एस्टिमेट। उसका मीनिंग क्या बेटा? टू एस्टिमेट। और बेसिकली टैक्स क्या है? तो टैक्स मीन्स टू इम्पोज अ फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स का मतलब क्या? टू इम्पोज अ फाइनेंशियल चार्ज, सॉरी, और एनी अदर लेवी अपॉन टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के ऊपर फाइनेंशियल चार्ज लगाने का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, राइट? टैक्स के कितने टाइप है? तो टैक्स के बेसिकली ना बेटा दो टाइप है। कौन से? एक है डायरेक्ट टैक्स, तो दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स के बारे में? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन और लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन अ गुड्स और सर्विसेस और बोथ, गुड्स और सर्विसेस और बोथ। डायरेक्ट टैक्स के मैंने आपको कल कुछ एग्जाम्पल बोले थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है, गिफ्ट टैक्स भी एबॉलिश हो चुका है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बोले थे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम, वैट एंड सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, इसमें से सर्विस टैक्स एबॉलिश हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी एबॉलिश हो चुका है, क्योंकि अब ये टैक्सेस ना जाकर के कहाँ पे मर्ज हो चुके हैं? बोलो कहाँ पे मर्ज हो चुके हैं? कल मैंने पढ़ाया था आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मर्ज हो चुके हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्स का फीचर क्या था कि द पेमेंट बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, पेमेंट बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पेमेंट बर्डन शिफ्ट होता है क्या? यस, पेमेंट का बर्डन शिफ्ट होता है। पढ़ा था ना ये कल? यस सर जी, पढ़ा था, याद आ रहा है। चलो आगे क्या पढ़ा था फिर हमने? अथॉरिटी टू लेवी टैक्स। देख लेना यार, हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या लिखा है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक आप उसके लिए प्रॉपर या फिर वैलिड लॉ नहीं बनाओगे ना, तब तक आप किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये कहां पे लिखा गया? आर्टिकल 265 के अंदर। फिर देखो, लॉ मेकिंग अथॉरिटी कहां पर मेंशन करी गई है? आर्टिकल 246 के स्केड्यूल नंबर 7 में। कहां पर? आर्टिकल 246 के स्केड्यूल नंबर 7 में मेंशन करी गई है। देखो फिर, लॉ मेकिंग अथॉरिटी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा था? यूनियन लिस्ट। दूसरा कौन सा है? स्टेट लिस्ट। और तीसरा कौन सा है? कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट में किसके पास होता है? पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। बट यहां पे कोई टैक्स का सब्जेक्ट मैटर है नहीं, यहां पे कोई टैक्स का सब्जेक्ट मैटर है क्या? नहीं है। फिर यूनियन लिस्ट का यूज करके इनकम टैक्स एक्ट, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये टैक्सेस लगाए गए। स्टेट लिस्ट के अंदर एसजीएसटी एंड वैट लगाया गया, राइट? ये मैंने आपको कल भी इंपॉर्टेंट बोला था, मैं आज रिवाइज करते टाइम पर आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 82 का यूटिलाइजेशन करके इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया, जिसके तहत आज की डेट में अपने यहाँ पे इनकम टैक्स लगता है, राइट? फिर मैंने आपको ये बोला था, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं और स्केड्यूल कितने हैं? मैंने आपको कल पढ़ने के लिए बोला था, दोबारा से बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, याद रख लेना, खाली नंबर्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ओके, फिर हम आगे बढ़े थे और हमने फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देखा था। आगे बढ़कर हमने क्या देखा था बेटा? फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देखा था। तो बेसिकली मैंने आपको कल क्या बोला था, फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन वॉट? 31 मार्च। स्टार्ट ऑन वॉट? 1 अप्रैल। एंड्स ऑन वॉट? 31 मार्च। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग देख लेना। ओके, फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है? प्रीवियस ईयर। सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या डिफाइन किया गया बेटा? प्रीवियस ईयर। जहां पे मैंने कल आपको बताया था, प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के इमीडिएट पहला फाइनेंशियल ईयर ही क्या होता है बेटा? अपना प्रीवियस ईयर होता है ना?
ओके बेसिकली प्रीवियस ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर ही होता है, प्रीवियस ईयर भी क्या होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, एंड प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज वॉट इनकम अर्निंग ईयर, प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज वॉट इनकम अर्निंग ईयर। नॉर्मली प्रीवियस ईयर 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड कितने महीने का होता है बेटा 12 महीने का, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, जहां पे ये कुछ एक्सेप्शन थे इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस एंड इन केस ऑफ न्यूली सोर्स ऑफ इनकम, न्यूली अराइजन सोर्स ऑफ इनकम। देखो जब नया बिजनेस सेटअप होता है तो जिस दिन वो बिजनेस कमेंस हो गया वहां से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा, और इन केस ऑफ न्यूली सोर्स ऑफ इनकम यस डेट ऑफ इनकम से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक आपका पहला प्रीवियस ईयर होता है, राइट ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फिर असेसमेंट ईयर पढ़ा था, तो असेसमेंट ईयर का भी सिंपली मतलब क्या है भैया, असेसमेंट ईयर मीन्स ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के बाद में आने वाला फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर के बाद में आने वाला इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा असेसमेंट ईयर होता है। जैसे मान के चलो कि मेरा प्रीवियस ईयर अगर 1920 है तो इसके इमीडिएट बाद में आने वाली फाइनेंशियल ईयर कौन सी होगी बताइए 2021, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा मेरा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और मैंने कल आपको बोला भी था कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी जाती है और फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। फिर हमने ये टर्म पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर, हमने देखा था पर्सन का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन देखा था पर्सन का डेफिनेशन देखा था, जहां पे मैंने आपको कल क्या बोला था द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूसिव इन नेचर, द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूसिव इन नेचर एंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स व्हाट इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए मैंने क्या बोला था मेल फीमेल, बोला था मेल फीमेल जो कौन हो सकते हैं मेजर हो सकते हैं या फिर माइनर हो सकते हैं, जो कौन हो सकते हैं मेजर हो सकते हैं या फिर माइनर हो सकते हैं, या फिर जो अपन ये बोल सकते हैं ना साउंड माइंड हो सकते हैं अनसाउंड माइंड हो सकते हैं मैरिड हो सकते हैं अनमैरिड हो सकते हैं, इसे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला आपके मैरिटल स्टेटस से, आप रहोगे क्या पर्सन, सभी नेचुरल पर्सन जैसे यू एंड मी यहां पर कवर होते हैं, राम श्याम गीता है ना ये सब लोग इसके अंदर कवर होंगे। HUF के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े, होप सो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कल भी एक्सप्लेन किया था, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। कंपनी के लिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे कंपनी इन मींस एंड इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, कंपनी मींस एंड इंक्लूड्स क्या ऑल टाइप ऑफ कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी सभी प्रकार की कंपनीज। और फर्म के लिए मैंने आपको कल क्या बोला था फर्म कहाँ पे डिफाइंड है बेटा सेक्शन नंबर 4 कौन सा एक्ट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइंड है, लेकिन उस फर्म को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में फर्म बनने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और दोनों के बीच में एंड है, और क्या होना चाहिए उनका प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का रेशियो पहले से ही क्या होना चाहिए बेटा फिक्स होना चाहिए, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं फर्म, एंड फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कल बताया था ना याद आ रहा होगा। फिर कल हमने ये पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मैंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए कल बोला था ये खिचड़ी होती है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आते बेटा इंडिविजुअल्स आते हैं, राइट। फिर लोकल अथॉरिटी जहां पर हमने ये पढ़ा था ग्राम पंचायत से लेकर अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक इसमें सभी लोग आते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पर्सन की लिस्ट जो पर्सन 1 से लेकर 7 में कवर नहीं होता, कहां पे कवर नहीं होता 1 से लेकर 7 में कवर नहीं होता उसको अपन कहां पे कवर करते हैं बेटा 8 में, और 8 का हेडिंग कौन सा है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके देखो ये हो गया कल का रिवीजन, ये कल की रिवीजन थी। ओके चलो तो यहां से आज हम शुरू करते हैं, कुछ ज्यादा टर्म नहीं बची है हमारी, कुछ 3-4 टर्म बची है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। चलो करें शुरू फिर, अगला टर्म है अपना एसएससी, अगला टर्म कौन सा है बेटा अपना एसएससी मैकेडा एमपी, हो सकता है ये सेक्शन नंबर भी आपको एग्जाम में पूछा जाए और इसकी डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछी जाए। ओके मुझे एक बात बताओ आप लोग पर्सन हो क्या, चेक करो सर क्या मजाक कर रहे हो, हम लोग तो पर्सन है ना।
ओके चलो आप पर्सन हो, लेकिन सोच समझ के बताना, क्या आप एसएससी हो? चलो प्लीज कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आप एसएससी हो? सर पहले तो ये तो बता दो, हमको पर्सन समझ में आ गए, हमको एसएससी ही बतानी है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि हम एसएससी है या नहीं है? बता पाएंगे क्या? नहीं। तो एक बात याद रखना, टैक्स पेमेंट करने मतलब देखो, पर्सन तो सभी लोग हैं, पर्सन की डेफिनेशन में तो ये सब लोग इंक्लूड होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताना कि इसमें से हर एक पर्सन इनकम टैक्स पे करता होगा क्या? सोच समझ के बताना, इसमें से क्या हर एक पर्सन इनकम टैक्स पे करता होगा? देन अपना आंसर है नो सर, इसमें से हर एक पर्सन थोड़ी ना इनकम टैक्स पे करता होगा, नहीं। तो एक बात याद रखना, ये पर्सन में से जो इनकम टैक्स पे करता है या फिर पे करने के लिए क्या बेटा लाइबल है, इसमें से इन इन पर्सन की लिस्ट में से कोई भी जो इनकम टैक्स पे करता है या फिर इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। सर समझ में आ गया, एसएससी का सिंपली मतलब क्या है? एनी वन हु इज लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर सम, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर सम। सर हमको इनकम टैक्स तो समझ में आ गया, लेकिन ये एनी अदर सम क्या है? तो एनी अदर सम के अंदर जैसे देख लेना, हो सकता है वो पर्सन लाइबल हो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, हो सकता है वो पर्सन लाइबल हो पेनल्टी पे करने के लिए, है ना? तो ऐसे टाइम पे एसएससी का मतलब क्या हो जाएगा फिर? एसएससी सिंपली मीन्स अ पर्सन। देखना, एवरी एसएससी इज अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एसएससी, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एसएससी। बिकॉज याद रखना, सिर्फ वही लोग एसएससी हो सकते हैं जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। ओके चलो, होप सबको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अ पर्सन बाय हुम इनकम टैक्स, अ पर्सन बाय हुम इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इंटरेस्ट और पेनल्टी इज पेबल अंडर एक्ट, ये एक्ट का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स एंड 1961। ओके तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एसएससी कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? एसएससी कहते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना याद रखना, हु इज एसएससी, तो एसएससी का मतलब है एनी वन हु इज लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट। चलिए नेक्स्ट अपनी टर्म है डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी। सर डीम्ड का मतलब क्या होता है? देखो डीम्ड का मतलब होता है वो एक्चुअल में होता नहीं लेकिन हम उसको मान के चलते हैं, वो एक्चुअल में होता है क्या? नहीं, लेकिन हम उसको वैसे मान के चलते हैं, है कि नहीं? जैसे बोलते ना, ही इज माई डीम्ड ब्रदर, है ना, ही इज माई डीम्ड सिस्टर, जिनको अपन सिस्टर मान के चलते हैं, जिनको अपन ब्रदर मान के चलते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? डीम्ड बोलते हैं। इसका मतलब सर ये डीम्ड एसएससी का मतलब होगा कि वो एसएससी तो है नहीं बट अपन उसको एसएससी मान के चलेंगे, ऐसा क्या? बिल्कुल आपने सही सोचा, वो एक्चुअल में एसएससी होता है क्या? नहीं, बट अपन उसको क्या मान के चलते हैं बेटा? एसएससी मान के चलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डीम्ड एसएससी बोलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डीम्ड एसएससी बोलते हैं। ओके क्लियर है? हाँ सर ये समझ में आ गया, डीम्ड एसएससी का मतलब होगा एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में एसएससी नहीं होता, जो एक्चुअल में एसएससी होता है क्या? नहीं होता, बट ये इंपॉर्टेंट है, वो एसएससी मान लिया जाता है। सर एसएससी वो क्यों मान लिया जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, गूगल, गूगल एक कंपनी है कि नहीं? गूगल एक कंपनी है, गूगल इंडिया में बिजनेस करता है। एक मिनट के लिए मान के चलो कि गूगल का इंडिया में कोई ऑफिस ही नहीं है, गूगल का इंडिया के अंदर कोई ऑफिस है क्या? मान के चलो कि नहीं है, गूगल का इंडिया के अंदर कोई ऑफिस नहीं है, बट वो इंडिया में बिजनेस तो कर रहे हैं, इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस यूज करके वो इनकम भी कमा रहे हैं यार, तो उस इनकम के ऊपर अपनी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स तो लगाएगी, है ना? तो क्या टैक्स वसूल करने के लिए क्या गूगल की जो होम कंट्री है यूएसए, क्या वहां पे जाना पड़ेगा टैक्स वसूल करने के लिए? नहीं। तो ऐसे टाइम पे गूगल को बोला जाएगा, या तो आप आपका एक ऑफिस हमारे इंडिया में बना लेना, नहीं तो आपके बिहाफ पे टैक्स पे करने के लिए किसी पर्सन को क्या कर देना? अपॉइंट कर देना। हमने क्या बोला? आप तो खुद एक ऑफिस बना देना ताकि हम आपसे टैक्स मांग सके, नहीं तो आपके बिहाफ पे आप किसी को अपॉइंट कर देना, जिससे हम आपके बिहाफ पे टैक्स वसूल कर सके। तो देख लेना है, मान के चलो अगर इस गूगल के बेसिस पे, सॉरी गूगल के बिहाफ पे
अगर मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया जाए तो क्या मिस्टर एक्स डीम्ड एसएससी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया यार, मिस्टर एक्स क्या हो गया? डीम्ड एसएससी हो गया। चलो मैं आपको ना और एक एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है डीम्ड एसएससी के लिए, ओके, और इंपॉर्टेंट भी एग्जांपल है। मान के चलो कि ये कोई अपना पर्सन है ना, मान के चलना कि ये कौन है, अपना कोई पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर एक्स, ओके, और इसकी इनकम है, मान के चलो कि बेटा इस बंदे की इनकम है मात्र 60,000 रुपये पूरे साल की। तो आपको तो पता है 60,000 रुपये के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? जीरो टैक्स। 60,000 रुपये के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? जीरो टैक्स। लेकिन इसका एक छोटा बेटा है, इसका क्या, एक बेटा, एक छोटा सा बेटा है जो बहुत बढ़िया डांस करता है। ये क्या करता है? बहुत बढ़िया डांस करता है, और ये डांस करके ना लिटरली साल भर में 10,00,000 रुपए कमाता है। ये लिटरली साल भर में कितने कमाता है? 10,00,000 रुपए कमाता है। और आपको तो पता है ये 10,00,000 रुपए की इनकम ना टैक्सेबल इनकम है, और इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। इसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज यस सर, इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, सर आपने बोला था माइनर भी पर्सन होता है, मैंने बोला था माइनर पर्सन होता है, बिल्कुल मैं अभी बोल रहा हूं माइनर इज अ पर्सन, बट माइनर के अगेंस्ट हम टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं? तो ऐसे टाइम पे इस छोटे बच्चे के बिहाफ पे टैक्स कौन पे करेगा? उसका फादर नहीं तो मदर। ओके, ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना, ये हम एट द टाइम ऑफ सेक्शन नंबर 64 के टाइम पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है क्लबिंग। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि डीम्ड एसएससी वो पर्सन होता है जो एक्चुअल में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होता, बट किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। ओके, होप सो आपको ये डीम्ड एसएससी का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं फिर अपन आगे, नेक्स्ट हेड्स ऑफ इनकम। जैसे आप लोग कल से सुन रहे होंगे इनकम है ना, तो देख लेना यार, इनकम टैक्स एक्ट पर्पस के लिए एक एक पर्सन जितने भी इनकम कमाता है, जितने भी नंबर ऑफ इनकम कमाता है, जितने भी अलग अलग टाइप्स के इनकम कमाता है, उन सभी अलग अलग इनकम्स को हम लोग इस 5 हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर करते हैं। कितने हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर करते हैं हम? 5 हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर करते हैं। अगर आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाए देर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम, तो आपका आंसर आना चाहिए देर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम। इसमें से फर्स्ट हेड ऑफ इनकम कौन सा है अपना? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका अपना पहला हेड ऑफ इनकम कौन सा बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सर ये सैलरी हेड ऑफ इनकम के अंदर किसके इनकम्स आते हैं? तो याद रखना, इसके लिए सिंपली बोलो, जो लोग जॉब करने वाले होते हैं ना, जो लोग कहीं पे जाकर के जॉब करते हैं ना, उनको जो पेमेंट रिसीव होती है, वो रिसीव होने वाली पेमेंट कौन से हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर हो जाएगी? तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर हो जाएगी। सिंपली अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताना है, इफ देर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिटवीन पेयर एंड पे, तो पेयर की तरफ से पे को अगर कुछ भी मिल जाए, लिटरली कुछ भी मिल जाए, चाहे वो कैश में मिले या फिर वो काइंड में मिले, किस में मिले? कैश में मिले या काइंड में मिले, वो कहां पे कवर हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी इस हेड के अंदर कवर हो जाएगा। कहां पे कवर हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी इस हेड के अंदर कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? मान के चलो आगे चल के अगर आपको ये महानगर पालिका या फिर महावितरण की अगर जॉब लग गई ना, तो आपको मिलने वाली पेमेंट भी कहां पे कवर होने वाली है? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर कवर हो जाएगी। ओके, याद रखना ये सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है, दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम। अगला अपनी हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान के चलो कि यार मेरे पास कोई घर है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या कोई घर है जो मैं अपने खुद के रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं वो अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज कर रहा हूं। प्राइम दो कंडीशन क्या है कि एसएससी के पास कोई घर होना चाहिए और वो अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन या फिर सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो जाती है, और अगर वो घर अगर मैंने किसी को क्या कर दिया बेटा,
लेट आउट कर दिया, किसी को मैंने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। लेट आउट का मतलब होता है मैंने वो घर किसी को रेंट पे दे दिया, मैंने वो घर क्या कर दिया, किसी को रेंट पे दे दिया। तो मिलने वाली ये रेंट अमाउंट जो है कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ पे कवर हो जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर हो जाएगी। चलो अगला हेड ऑफ इनकम है अपना प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, लिटरली ये हेड ऑफ इनकम वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है बट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन क्या बेटा, लेंथी चैप्टर है ये बेसिकली। तो सर इसमें क्या है, एक 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 चाय की टपरी जो बंदा चलाता है, चाय की टपरी वाले से लेकर एक कॉरपोरेट ऑफिस तक जो बिजनेस फॉर्म्स है ना, ये सब लोगों की इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर हो जाती है, पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर हो जाती है, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर समझ में आ गया, सभी प्रकार के बिजनेस मंस जो अपनी उनकी जो बिजनेस इनकम होती है वो पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर होती है, और सभी प्रकार के जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर लोग है, कंपनी सेक्रेटरीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आज के डेट में ये फ्रीलांसर आ गए, इन सब लोगों को मिलने वाली जो इनकी जो अपनी प्रोफेशन से जो कोई कमाई होती है वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है, पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। चलो अगला हेड ऑफ इनकम होता है अपना बेटा कैपिटल गेन्स। अगला हेड ऑफ इनकम अपना कौन सा होता है, कैपिटल गेन्स, जहां पे एसएससी अगर कोई कैपिटल एसेट बेच के, मैंने क्या बोला, एसएससी क्या करेगी, कैपिटल एसेट अगर उसने सेल करी है, कैपिटल एसेट उसने क्या करी, अगर कोई सेल की है और इस सेल के ऊपर उसको क्या होगा, क्या होगा उसको सेल के ऊपर क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट होगा नहीं तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस कहां पे टैक्सेबल हो जाता है बेटा, कैपिटल गेन्स में। कहां पे टैक्सेबल हो जाता है, कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो जाता है। इसका मतलब सर कैपिटल एसेट बेचने के बाद, कैपिटल एसेट बेचने के बाद जो इनकम आती है वो इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल हो जाती है, कैपिटल गेन में। और जो कोई बिजनेस या प्रोफेशन है उनकी इनकम कहां पर होती है, पीजीबीपी में। घर से आने वाली इनकम कहां पर टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में। और नौकरी करने के बाद जो हमको सैलरी मिलता है वो कहां पर टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल हो जाता है। सर हमको ना ये चार हेड ऑफ इनकम अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि कौन से इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। अब बस हमें ये लास्ट वाला बता देना, एक बात बताऊं आपको मैं, जो ऐसे इनकम जो पहले चार हेड ऑफ इनकम के अंदर नहीं आती, ऐसी इनकम जो फर्स्ट चार हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर नहीं होती बट टैक्सेबल होती है, मैंने क्या बोला देखना, ऐसी इनकम जो फर्स्ट फोर हेड ऑफ इनकम के अंदर आती है, क्या मतलब वो यहां पर आएगी क्या, नहीं, बट टैक्सेबल तो है ना यार, टैक्सेबल है क्या, हाँ टैक्सेबल है। तो वाली इनकम कहां पर आ जाएगी पता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कहां पर आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएगी। सर हमें कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए, जैसे आपने मान के चलो कि आज को ड्रीम इलेवन आता है ना, टीम लगाओ पैसे जीतो वगैरह वगैरह, आते कि नहीं, मान के चलो आपने ड्रीम इलेवन पे टीम लगाई, आपने ड्रीम इलेवन के ऊपर मान के चलो कि ये 10,000 रुपए लगाए, और आपने इस 10,000 के बदले मान के चलो कि 50,000 रुपीज जीते, तो ये जीती हुई 50,000 की अमाउंट है किधर टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, किधर टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगी। वैसे विनिंग्स है, हॉर्स रेसेस है, कार्ड गेम्स है, फैमिली पेंशन है, सैलरी बताइए दोबारा, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज एंड एमएलएज की भी सैलरी कहां पर टैक्सेबल हो जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। एग्रीकल्चरल इनकम जो आउटसाइड इंडिया से मिलता है कहां पर टैक्सेबल होता है बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है, होता कि नहीं होता, यस। डिविडेंड इनकम भी कहां पर टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट इनकम जो हमें इंटरेस्ट मिलता है अपनी सेविंग अकाउंट के ऊपर वगैरह, वो भी कहां पर टैक्सेबल हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। ओके चलो होप सो कि आप लोगों को एक ग्रॉस लेवल पे आइडिया मिल गया होगा कि ये हेड ऑफ इनकम जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 14 के अंदर बोला गया है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 14 में क्या लिखा गया है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो कौन कौन से है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
प्रॉफिट्स ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड आईओएस, ये पांच हेड ऑफ इनकम है। और ये पांच हेड ऑफ इनकम में बेसिकली कौन कौन सी इनकम कवर होती है, ये बेसिक लेवल पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड लेट मी टेल यू, ये फाइव, ये पांच जो अभी तक अपनी हेड ऑफ इनकम पढ़े है ना, ये अपने आप में पांच चैप्टर है, ये अपने आप में क्या पांच चैप्टर है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं भी समझ में आ गया ना, तब ये जब हम ये एक 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 चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो वैसे भी आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके चलिए फिर सर, अगला अपना टर्म है मेकिट आई एम पी। ये भी टर्म अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम। कौन सा इनकम जी? ग्रॉस टोटल इनकम। ओके एक याद रखना, अभी जो तुमने फाइव हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे ना, वो पांच हेड ऑफ इनकम की सम टोटल, पांच हेड ऑफ इनकम की क्या सम टोटल को अपन क्या बोलते हैं बेटा पता है? ग्रॉस टोटल इनकम। फाइव हेड्स ऑफ इनकम की सम टोटल का अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। इसका मतलब क्या कि हम सैलरी हेड का टोटल करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का टोटल करेंगे, पीजीबीपी का टोटल करेंगे, कैपिटल गेन का टोटल करेंगे, आयुष का टोटल करेंगे, और इन सबको हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब सर कुछ नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईओएस, इन सब की समीशन का आंसर ही क्या कहलाता पता है? ग्रॉस टोटल इनकम। इन सब की समीशन का आंसर ही क्या कहलाता बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। मेरे ख्याल से ये सबसे सिंपल होगा सर। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि पांच हेड ऑफ इनकम की सम टोटल का ही मतलब क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। होप सो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट टर्म है अपना टोटल इनकम। याद रखना, टोटल इनकम इज ऑल्सो नोन एज टैक्सेबल इनकम। कौन सा इनकम बेटा? टैक्सेबल इनकम। ओके टैक्सेबल इनकम बोलो, नहीं तो टोटल इनकम बोलो, वन एंड द सेम। टोटल इनकम का ही मतलब क्या होता है? टैक्सेबल इनकम। एंड टैक्सेबल इनकम का ही मतलब क्या होता है? टोटल इनकम। कुछ नहीं, आपने जो ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करी थी ना अभी ऊपर के केस में, पांच हेड ऑफ इनकम की टोटल, अभी जो हमने ये ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करी है ना, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस, ये सब का टोटल करने के बाद हमको आंसर क्या मिला था? ये सब की टोटल को हम क्या बोलते थे बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम, है कि नहीं? और ये ग्रॉस टोटल इनकम से हमको क्या माइनस करना होता है पता है? अगर हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस हटा दे, अगर हम क्या करें, ग्रॉस टोटल इनकम से क्या हटा दे? डिडक्शंस हटा दे। जो डिडक्शंस हम लोगों को मिलते हैं सेक्शन नंबर 80C से लेकर 80U तक, कहां पे कहां से लेकर कहां तक? 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शन, जो कोई डिडक्शन एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर हमने 80C से लेकर अगर 80U तक के डिडक्शन अगर हमने ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट कर दिए, कहां से? ग्रॉस टोटल इनकम से अगर हम डिडक्ट कर दिए, तो आने वाला आंसर हमारा क्या कहलाएगा? टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। अगर आपको कुछ एक एग्जांपल बताने हैं, तो 80C के अंदर जैसे आप लोगों ने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, जो अपन लाइफ इंश्योरेंस लेते ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका रीपेमेंट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये भी हमको कहां पे डिडक्शन मिल जाता है? 80C में। 80E में हमको कौन सा डिडक्शन मिलता है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। 80U के अंदर जो डिसेबल पर्सन वगैरह होते हैं, उनको उनकी इनकम से फ्लैट 1,25,000 से लेकर 1,75,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। कौन से सेक्शन के अंदर? 80U के अंदर। कहां पे? 80U के अंदर। ये अलग अलग सेक्शंस है, इनफैक्ट ये जो देख रहे हो आप 80C से लेकर 80U तक, ये भी अपने आप में क्या एक अलग चैप्टर है। तो जब अपन वो चैप्टर डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एज ऑफ नाउ आप सिर्फ एक बेसिक लेवल पे ये समझने की कोशिश करना कि टोटल इनकम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, पांच हेड ऑफ इनकम क्या है, कुछ इस तरीके से ये जो बेसिक टर्म आप समझो, क्योंकि इनकम टैक्स में जब हमारी डिस्कशन धीरे 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 आगे बढ़ेगी, तो ये टर्म्स आगे हमेशा यूटिलाइज होगी। किसी सेक्शन के अंदर हो सकता है टोटल इनकम लिखा जाए, ग्रॉस टोटल इनकम लिखा जाए, सैलरी इनकम लिखा जाए, पीजीबीपी इनकम लिखा जाए, आईओएस लिखा जाए, या फिर एसएससी लिखा जाए, पर्सन लिखा जाए, प्रीवियस ईयर लिखा जाए, असेसमेंट ईयर लिखा जाए। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स आगे चल करके यूटिलाइज होने वाली है, इसलिए ये बेसिक टर्म्स लेनी बहुत जरूरी थी। इसलिए क्या बेटा? बेसिक टर्म्स लेनी क्या थी? बहुत जरूरी थी। होप सो आपको ये जो मैंने
बेसिक टर्म्स सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 के अंदर कवर करिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आगे होंगी। ओके चलो, तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर होगा बेटा, फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर होगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना शुरू करेंगे, दैट इज जर्नल। हम क्या करने वाले बेटा, जर्नल का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके चलो, स्टिल अगर आपको हो, मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपके डाउट मुझे प्लीज 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 आपके डाउट मुझे पूछना मत भूलना। ओके चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।